सद्भावना बचाओ देश बचाओ यात्रा के तहत सीतामढ़ी पहुंची है जेडीयू संसदीय बोर्ड की अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बाजपट्टी विधानसभा के हसनपुर बरहड़वा में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। उन्होंने स्थानीय लोगों से फीडबैक लिया। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने स्कूल की चारदीवारी, बिजली मीटर, स्कूल में शिक्षा की व्यवस्था, जमीन का सर्वे, शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाया और सरकार के साथ निश्चय की पोल खोली। जेडीयू के सद्भावना बचाओ देश बचाओ सम्मेलन में की कड़ी में तमाम जेडीयू के नेता जो हैं वो ग्रामीण इलाकों में जाकर ग्राम चौपाल लगा रहे हैं। जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर जो है सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी विधानसभा के हसनपुर बड़वड़वा जो है इलाके की तस्वीर है। और यहाँ पर उर्दू विद्यालय है जहाँ पर जेडीयू के तमाम जो नेता हैं, चाहे जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हो, जेडीयू के जो विधान पार्षद हैं रामेश्वर महतो हो, जेडीयू के विधायक पंकज मिश्रा हो, विधान पार्षद जो है वो रेखा देवी हो, ये तमाम लोग जो हैं ये ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों से फीडबैक ले रही हैं। खासतौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट जो है सात निश्चय के तहत हर घर जो है नल से जल, हर घर बिजली या हर खेत जो है पानी पहुंचाने की जो योजना है, उस अभियान को क्या बल मिला है, उस योजना का लाभ आम आदमी को मिल रहा है या नहीं मिल पा रहा है, ये तमाम बातों का फीडबैक जो है खुद उपेंद्र कुशवाहा ले रहे हैं। और खासतौर पर ये कोशिश है कि इस ग्राम चौपाल के माध्यम से तमाम जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं मुख्यमंत्री की जो योजनाएँ हैं उन योजनाओं का क्या कुछ धरातल पर उस योजना को लागू हो पा रहा है या गड़बड़ी है, इन तमाम बातों का फीडबैक भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि मुख्यमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है हर घर नल से जल या हर घर जो है बिजली, इन तमाम योजनाओं में बड़े पैमाने पर धांधली भी है। तमाम लोगों ने इसके बारे में जानकारी भी दी है, कई युवाओं ने भी बात की है, कई नेताओं ने बात की है। और एक कोशिश है कि इस ग्राम चौपाल के माध्यम से जो है फीडबैक लिया जाए। और इसी फीडबैक लेने के लिए जो है ग्रामीण इलाकों में जाकर आपसी सौहार्द कैसे बना रहे, सद्भावना कैसे बना रहे, देश को कैसे बचाया जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर उपेंद्र कुशवाहा उसको जो है नोटबुक में नोट कर रहे हैं, तमाम योजनाओं की जानकारी ले रहे हैं, गड़बड़ियों की जानकारी ले रहे हैं। और जब दूसरे चरण की यात्रा की समाप्ति होगी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इन तमाम समस्याओं से अवगत कराएंगे, अधिकारियों को निर्देश करेंगे। और एक कोशिश है कि लोगों को योजना का लाभ मिले, लोगों को जो है सरकार की योजनाएं जो चल रही है उन योजनाओं का क्या कुछ इफेक्ट है, इम्पैक्ट है, इन तमाम मुद्दों को जानने की कोशिश जो है इस ग्राम चौपाल के माध्यम से कोशिश की जा रही है। कैमरा मैन के साथ अनीश कुमार, कशिश न्यूज, सीतामढ़ी।